वार्ड सदस्य जेमन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। गिरिडीह विधानसभा के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में एक कार्यक्रम के तहत शनिवार को झामुमो छोड़कर जेएमएम की सक्रिय कार्यकर्ता चुंचका पंचायत के वार्ड सदस्य बबलू दास अपने अन्य साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने सभी को पार्टी का अंग पट्टिका व फूलमाला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सभी का भाजपा में अभिनंदन किया। भाजपा युवा नेता राजकिशोर साव ने कार्यक्रम की अगुवाई की। इस अवसर पर शाहबादी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत एवं विचारों से प्रभावित होकर एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और उनके विकसित भारत के संकल्प से प्रभावित होकर अन्य दलों को छोड़कर भारी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से अन्य पार्टियों को छोड़कर कई लोग भाजपा में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से भी लोग आज भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं। कहा कि उनकी सूची तैयार की जा रही है एवं जल्द ही सदस्यता कार्यक्रम के तहत सभी को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। वर्षों से पड़े लंबित विषयों का समाधान किया जा रहा है। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण एवं कश्मीर से धारा 370 का शांतिपूर्वक समाधान, देश के आर्थिक क्षेत्र में तरक्की, सामाजिक क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बना, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, युवाओं के लिए स्टार्टअप कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार की दिशा में प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के हाथों में ही सुरक्षित है। इस बार की संसदीय चुनाव में भारतीय एनडीए गठबंधन 400 को पार करेगी और फिर से एक बार केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, अनूप सिन्हा, भाजपा पूर्वी भाग के मंडल उपाध्यक्ष, शवार सदस्य राजकिशोर साव, अशोक सिंह, अनिल मिश्रा, प्रकाश दास, गोविंद तूरी, सुरेश पासवान, सुरेश सिन्हा, भुवनेश्वर राय समेत अन्य लोग उपस्थित थे। बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता की बात है, नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्ग को देखते हुए, उनके प्रताप को देखते हुए आज मैं कह सकता हूँ कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ने के लिए, चाहे जो जिस भी दल में रहे हों, अपने दल को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताने के लिए आ रहे हैं। इसी क्रम में आज चिल्का के हमारे वार्ड सदस्य बबलू कुमार दास जी, उनके साथी दशरथ दास जी जो एक समाज सेवी है, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अभी हमारे पास सीतलपुर के कम से कम 100 लोगों की फहरिस्त आई है। ग्राम कोगड़ी और सिद्धार्डी मुस्लिम बहुल इलाका है और बहुत हमारे मुसलमान भाई जो हैं, हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों ने स्वेच्छा से जाहिर की है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता हूँ। उनकी भी सूची तैयार हो गई है, यथाशीघ्र 1-2 दिन के भीतर में बड़ी संख्या में उन लोग को हम लोग भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी के चीज़ों को देख करके लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाह रहे हैं, उन सभी का हृदय से स्वागत है। और ये उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में वो पूरी निष्ठा के साथ में भारतीय जनता पार्टी का काम